इस वक्त की बड़ी खबर, नालासोपारा के संतोष भवन निकट शर्मावाड़ी में गोली चल गई। करीबन 9 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हितेंद्र जोशी का विवाद उनके ससुराल पक्ष से चल रहा था, जिसके बाद ये विवाद अब गोली चलने पर अंजाम में आ चुका है। ऐसी जानकारी वहां के स्थानीय व्यक्ति ने दी। उस व्यक्ति ने क्या कुछ कहा वो भी हम सुनाएंगे, लेकिन जान लीजिए आज करीबन 9 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 राउंड फायरिंग हुई है। हितेंद्र जोशी को स्थानीय अस्पताल अलायंस में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया गया है। इस पूरे मामले की तहकीकात निचले स्तर पर स्थानीय पुलिस करना शुरू कर दी है। मुजरिमों को जल्द पकड़ने की पूरी गुंजाइश पुलिस ने शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा स्थानीय ने, जरा सुनिए। मेरा नाम सुजीत सिंह है। हितेंद्र जोशी जो मेरा दोस्त है, तो अभी पता चला कि आधे से पौने घंटे पहले उसको किसी ने 2 गोली मार दिया है और हॉस्पिटल लेके गए क्लाइंट्स में एडमिट करने के लिए। कोई पुरानी रंजिश या कुछ और? रंजिश है कि उसने लव मैरिज किया था, तो लव मैरिज के दौरान होने के बाद उसको उसके भाई दीपक है। किसका भाई? लड़की का भाई दीपक है। पूरा नाम क्या दीपक का? दीपक गौतम बोलते, पूरा नाम पता है लेकिन दीपक गौतम बोलते हैं जी। तो उसने बीच में उसको दम दिया था, तो उसने हितेंद्र ने केस वगैरह किया था। उसके बाद तो वो शांत था, तो आज रात को ऐसा पता चला कि आज वो आके 2 गोली उसको मार के गया है।